पर्यावरण दिवस अच्छे ना उत्तर प्रदेश में उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक जनसमूह को संबोधित करते हुए सपा और कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस भ्रष्ट पार्टी की नहीं बल्कि भ्रष्टाचार की अम्मा पार्टी है। वही इसी जनपद में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम चलाया जा रहा है। आइए इसी के साथ देखते हैं आज के कुछ खास समाचार। खुदागंज विकास खंड के ग्राम उखरी में गांव चौपाल का आयोजन किया गया था, जिसमें प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने जनता से सीधा संवाद कर उनकी समस्या को सुना और निराकरण के लिए अधिकारियों को निर्देश दिया। केशव प्रसाद मौर्य ने एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस ऐसी पार्टी है कि दो दो अध्यक्ष भ्रष्टाचार के आरोप से घिरे हुए हैं और वे जमानत पर चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी तब नेता कहते थे कि हम गरीब के लिए एक रुपया भेजते हैं तो 15 पैसे पहुंचते हैं। उन्होंने अखिलेश यादव पर तंज कसते हुए कहा कि अखिलेश, उनके चाचा और परिवार के अन्य लोग 2047 तक सत्ता में आने का ख्वाब देखना छोड़ दें। उन्होंने कहा कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी होने के साथ देश हित में काम करने वाली पार्टी है। इस अवसर पर वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना, सांसद अरुण सागर, जिला अध्यक्ष केसी मिश्रा, विधायक चेतराम, विधायक वीर विक्रम सिंह उपस्थित रहे। उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को चेक वितरित किए तथा बालिकाओं को स्मार्टफोन व प्रधानमंत्री आवास योजना के लाभार्थियों को मकान की चाबी सौंपी। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। जोर से बोलना है, बोलिए भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय श्री राम। श्री अखिलेश यादव जी या उनके पार्टी का या उनके परिवार का उत्तर प्रदेश में सत्ता में आने का भविष्य नहीं, मुझे कई ज्योतिषियों ने बताया ये, इसलिए उनके लिए कोई अच्छा अवसर नहीं है। थोड़ा विपक्ष की भूमिका पहले निभाना सीख ले, फिर सत्ता के बारे में सोचें। मथुरा में कॉरिडोर, चाहे अयोध्या का विकास हो, चाहे काशी का हो, चाहे विंध्याचल धाम का हो और चाहे मथुरा वृंदावन का विकास, ये हमारी प्राथमिकताओं में से था, है और रहेगा। और हमारे देश के सभी तीर्थ स्थलों का विकास हो, धार्मिक पर्यटन बढ़े, क्योंकि उत्तर प्रदेश धार्मिक दृष्टि से कह लीजिए कि राम भक्तों की, कृष्ण भक्तों की, शिव भक्तों की, माँ के भक्तों की राजधानी है और देश भर से लोग आते हैं और उनके स्वागत के लिए हम तैयार हैं और हम जानते हैं कि इसके माध्यम से लाखों नहीं करोड़ों रोजगार भी सृजित है। धन्यवाद। नहीं, भ्रष्टाचार की अम्मा पार्टी है और ऐसी भ्रष्टाचारी पार्टी जिसके दो दो पूर्व अध्यक्ष हेराल्ड मामले में जमानत पर हैं और ईडी ने आज हेराल्ड से संबंधित जो संपत्ति थी उसे जब्त कर लिया है। शर्म आनी चाहिए इनको। भ्रष्टाचार मुक्त भारत बनाने के लिए माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में देश आगे बढ़ रहा है और सत्ता के वियोग में, सत्ता के बिना कांग्रेसी अपना मानसिक संतुलन खो रहे हैं। कभी राहुल गांधी हमारे प्रधानमंत्री जी के प्रति अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, कभी कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय प्रधानमंत्री जी के पिता के बारे में अपशब्दों का प्रयोग करते हैं, कभी कांग्रेस का कोई ना कोई छुड़भैया नेता ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग करता है जो राजनीतिक मर्यादा के अंतर्गत इस प्रकार के शब्दों के प्रयोग की अनुमति नहीं देते। लेकिन इस प्रकार की भाषा बोलने वालों को जवाब देने का काम देश की जनता कर रही है, प्रदेश की जनता कर रही है, अभी मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ की जनता करने जा रही है। कोई भी ऐसा स्थान हो, उस तीर्थ स्थल का विकास हमारी सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। धन्यवाद। प्रदेश सरकार के निर्देश पर शाहजहांपुर राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम 23 नवंबर से 5 दिसंबर तक चलाया जा रहा है। यहां एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर आर के गौतम ने बताया कि जनपद के संवेदनशील स्थानों पर इस कार्यक्रम के अंतर्गत फोकस किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि 11 ब्लॉक सहित शाहजहांपुर नगर इसमें सम्मिलित है। जनपद की 20% आबादी को टारगेट किया जाएगा, जिसके लिए 288 टीमें लगाई गई हैं। कुल 717,000 लोगों का परीक्षण किया जाएगा। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। टीवी में देखिए, ये 23 नवंबर से और 5 दिसंबर तक जो है केसों को खोज करके उनका ट्रीटमेंट जल्दी से जल्दी स्टार्ट कर सकते। अवेयरनेस के लिए देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट बात है, क्योंकि ये टीवी का जो इन्फेक्शन है वो ड्रेपलेट के थ्रू होता है। मैन टू मैन इन्फेक्शन
का एक ही वो है कि ड्रॉपलेट के थ्रू होता है, तो इससे हमें अक्सर जो भी जिसको भी काफ़ी दिन से कफ आ रहा है तो उसको भी हमें ये अवेयरनेस करनी है कि भाई वो भी अपने मुंह पर रूमाल या कुछ मास्क लगा करके रहें ताकि ये इन्फेक्शन दूसरे लोगों को ना हो पाए। ये बहुत इम्पोर्टेंट सवाल है। और जिसको भी 2 हफ्ते से ज़्यादा खांसी आ रही है वो अपने बलगम की जांच अवश्य कराएं। पिछले वर्ष जिन लोगों को लक्षित किया गया था जी, उसमें से कितने लोग रोगमुक्त हुए? उसमें से करीब करीब हमारे 4,445 जो है रोगी ठीक हो चुके हैं। 455 जो पिछले साल एक रोगी होते चले गए उनकी दवा आ रही है, तो हमें इस सस्पिशन के रूप में उसका स्पूटम एग्जामिनेशन अवश्य कराना चाहिए। थकान होती है और रात में पसीना आता है, ये कुछ सामान्य लक्षण हैं जो टीबी के रोगियों में पाए जाते हैं। जहाँ तक एक्स्ट्रा पल्मोनरी टीबी का प्रश्न है तो जिस पर्टिकुलर भाग में ये टीबी होती है, कभी कभी हमारे पीठ में फोड़ा हो जाता है, कभी कभी यहाँ पर एक साइनस के रूप में भी टीबी होती है, कभी कभी गांठें बढ़ जाती हैं, तो उस स्थिति में जिस भाग में हम इसको सस्पेक्ट कर रहे हैं वहाँ की हम जांच कराते हैं। अगर कहीं गांठ बढ़ जाती है तो पहले हम नीडल के द्वारा उसको जांच कर सकते हैं, अगर उसमें भी डाउट हो रहा है तो हम कोई एक गांठ निकाल करके उसकी वापसी करा सकते हैं। उसके अलावा अब चूंकि ये टीवी का अभियान और डॉट्स का बहुत अच्छे से ये कार्यक्रम चल रहा है, तो मैं पिछले करीब मैं 10 साल की मैं आपको ये बात बता सकता हूँ कि जो हमारी पेट की टीवी थी, इंटेस्टाइन की टीवी है, वो काफ़ी संख्या में कम हो चुकी है। अब वो केसेस बहुत कम मिलते हैं इंटेस्टाइनल ट्यूबरकुलोसिस के। इसके उसमें तो आप जब मरीज़ आपके पास आता है उसी कंडीशन में हम उसका फिजिकल एग्जामिनेशन करके अल्ट्रासाउंड करा सकते हैं, एक्सरे करा सकते हैं, उससे इसकी जानकारी मिल सकती है। अगर किसी को टीवी कहीं फोड़ा होता है तो उसका पस निकाल के उसकी कल्चर सेंसिटिविटी कराते हैं, जांच कराते हैं, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ब्रेन का भी हमारे DTO साहब ने ब्रेन के बारे में बताया है, तो कई बार पेशेंट जो इस तरह के होते हैं उनमें झटके आते हैं, वो झटके आते हैं, तो उस सिचुएशन में जब हम एक टीवी का एक सिस्ट होता है और वो अंदर होता है, बाद में फिर किसी किसी को ट्रीटमेंट चला के मतलब जो है ठीक हो जाता है, किसी किसी में ऑपरेशन भी करना पड़ सकता है, तो वो CT स्कैन से जो है जानकारी मिल जाती है उसकी। टीवी आपकी फेफड़ी हो सकती है, टीवी पेट में भी हो सकती है, जॉइंट में हो सकती है। क्या करते हैं कि हमें क्या इन्वेस्टिगेशन इसमें करा के इसकी हम प्रॉपर डायग्नोसिस बना सकते हैं और उसका ट्रीटमेंट आगे हम कर सकते हैं।